हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले ये कौन से आर्टिकल्स के अंडर आता है? ये आता है अंडर आर्टिकल्स 243P-243ZG। ठीक है, इन आर्टिकल्स के अंडर आता है। अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पंचायती राज है वो रूरल एरियाज़ में होता है, ग्रामीण इलाकों में होता है। अब जिस तरह से पंचायतें बनती हैं ग्रामीण इलाकों में, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं अर्बन एरियाज़ में, यानी शहरी इलाकों में। ठीक है, तो ये चीज़ तो आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी कि पंचायतें कहाँ होंगी रूरल एरियाज़ में, म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ होंगी अर्बन एरियाज़ में। सो हमने पहले ये भी डिस्कस किया कि पार्ट 9A के अंडर ये आता है, बट पार्ट 9A के अंडर इसे कब शामिल किया गया? सो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, मतलब संवैधानिक संशोधन हुआ था 74th 1992 में, उस टाइम पर इसे पार्ट 9A में ऐड किया गया। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या होती हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं हल्के फुल्के, तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मैंने पॉलिटी के जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बनाने स्टार्ट किए थे और आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। आई थिंक ये 60th लेक्चर होगा इस पूरी सीरीज़ का। सो देखिए, वो जितने भी वीडियोस हैं उनको सीक्वेंस में लगा के मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ पे जाके, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। आप चाहे तो, आपको अच्छी लगे तो आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं, कमेंट भी करते हैं सब्सक्राइबर्स, कि आपके जो वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में नहीं मिल रही हैं। तो देखिए, मैं एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, बट अगर आपको सीक्वेंस में देखनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाइए, आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगी। फाइन, ओके, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 types ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। हमारा संविधान बोलता है कि 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज़ होंगी। कौन कौन सी? नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फाइन, नगर पंचायत कहाँ होगी, ये म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ होगी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ होगी? अब क्वेश्चन ये उठता है, तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल तरह से यहाँ पर समझाया गया है। नगर पंचायत होगी वहाँ पर फॉर एरियाज़ इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, जो ग्रामीण इलाकों से अब शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ पर होगी नगर पंचायत। म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ होगी, जो छोटे छोटे शहरी इलाके हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ होगी, जो बड़े बड़े अर्बन एरियाज़ हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है वो 3 तरह की हैं। नाउ आगे ये बोलता है कि वो सारे एरियाज़ जहाँ पे पॉपुलेशन 3 लाख या उससे ज़्यादा है वहाँ पे वार्ड कमेटी बनाई जाए, अगर पॉपुलेशन इससे कम है तो वार्ड कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक तो पार्ट, आर्टिकल, ये सब आता है। उसके बाद आता है कि क्या इनमें सीट्स रिजर्व हैं या नहीं। तो देखिए, सीट्स तो रिजर्व हैं SCs और ST के लिए। ठीक है, 1/3 सीट्स रिजर्व हैं वुमेन के लिए। अब इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इनके पास पैसा है कि नहीं है, अगर पैसा है तो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। दीज थिंग्स मस्ट बी रिव्यूड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन, मतलब जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है म्यूनिसिपैलिटीज़ की, उसे चेक करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 आर्टिकल्स का मैंशन किया हुआ है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ कमेटीज़ का मैंशन है तो यह क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आर्टिकल 243ZD और आर्टिकल 243ZD। सो ZD क्या बोलता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए। ZD क्या बोलता है, एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए वहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन, जो मेट्रो एरियाज़ हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। इसमें कुछ खास नहीं था, बस 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आते हैं या फिर 42nd and 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आते हैं, राइट, तो आप उन्हें एक बार देख सकते हैं। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पर HPGK के नोट्स भी शेयर करती हूँ, जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर तरह की वीडियोज़, हर तरह के नोट्स अपलोड करती हूँ एंड लेसन प्लान्स भी अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कोई भी फीडबैक है, कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं मैक्सिमम हर एक कमेंट का रिप्लाई करती ही हूँ। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।